आम के मसाइल को आला हुकाम तक पहुंचाने के लिए सहारा कश्मीर, सहारा कश्मीर हर न्यूज के साथ। अपनी खराबियों को प्रतिपुष्ट डालकर, अपनी खराबियों को प्रतिपुष्ट डालकर हर शख्स कह रहा है ज़माना खराब है। कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर इसके बाद मुकद्दर तलाश कर। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत एसएसपी गांधरबल श्री निखिल बोरकर आईपीएस की हिदायत पर गांधरबल पुलिस ने आज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कुरहामा में मंशियात के खिलाफ सेमिनार का इनेकाद किया। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट गुलाम हसन की निगरानी में स्कूल कुरहामा के बच्चों, जिसमें डॉक्टरों, असातिज़ा, मौजूद शहरियों, कम्युनिटी के अराकीन, मस्जिद इमामों, समाजी कारकुनों के अलावा बाकी स्कूलों के तलबाओं ने बड़े जोश और खरोश के साथ शिरकत की। सेमिनार के आगाज पर इजहार ख्याल करते हुए मिस सोबिया शबीर, सोशल वर्कर, स्पेशल सेल बराई खवातीन, पुलिस स्टेशन खीर भवानी और मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने मंशियात की लानत की तबाहकुन वजूहात और नतज के बारे में लेक्चर दिया। सहारा कश्मीर से मोहम्मद रफी की खसूसी रिपोर्ट। रिलीजियस सर्विस नहीं हो सकती। जब कोई भी बंदा ड्रग्स लेता है, हमें लगता है कि ये ड्रग्स इसलिए लेता है कि इसको टेंशन, इसको एंजाइटी है, इसका रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, ही इज अ प्रोडक्ट ऑफ ए ब्रोकन फैमिली, माँ बाप का डिवोर्स हो गया, या जो रिवोल्ट है ओल्ड फैशन को लेके, अरे मैंने वो क्यों करना है, मैंने भी फैशन दिखाना है कि मैं ड्रग्स करता हूं, ये वो करता हूं, ये करता हूं। देखो, अगर आप नहीं करोगे तो आप थोड़ी ना मॉडर्न होगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा ही होता, शायद जो लोग ये साइड में बैठे हैं, जिनको अल्लाह ताला ने इज्जत दी है इतनी, शायद ये भी उस चीज में मुलव्वस हो गए होंगे। इनका विजडम ही डिमांड कर। लेक्चर, यू ब्यूटीफुली टचड ऑल द एरियाज ओवर हियर। कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर इसके बाद मुकद्दर तलाश कर। We believe that students are the change agents and education is the most powerful weapon to change the world. We have a student speaker here with us, Ms. Sahrish. Affects individuals, families and communities worldwide. And that is drug abuse. This problem transcends boundaries and impacts people of all ages, backgrounds and social standings. Drug abuse is not merely a personal struggle. It is a societal challenge that demands our collective attention and effort. The consequences of drug abuse ripple through our communities, affecting not only the individuals directly involved. Support and access to proper treatment. Tell us about the risks and consequences. Jab humne uski history li, he was brilliant during his school days. कोई परेशानी नहीं। द लोनली किड, एक बेटा था उनका। अगर आपकी पेरेंट्स इंजेक्शन ना रोज लेते हो, कोई बीमार नहीं हो, अगर किसी वजह से किसी भी तरीके का डिस्पोजेबल जो सिरिंज है, विच इज अवेलेबल इन योर होम्स, इन योर सोसाइटी, इन योर फैकल्टीज, इन योर स्कूल्स, इन योर कॉलेजेस, that itself means ki this is the indication that this major tool has been, it has been not kaha jaake baat karni hai, kaun si aisi helpline hai, kaun si kisi ko nahi hai, aur isme 2 saal mein hum aapko figures dikha sakte hain, jaise aap aapko level ke jaakar pahuncha hai, to jahan bhi hamare ko information mili hai to bilkul bhi police ne kahi bhi kotai nahi ki hai। तो मैं आपको एक ओपन चैलेंज देता हूँ, मेरा नाम अपलोड कर सकते हैं। किसी के पास भी अगर कोई भी ऐसा इंस्टेंस है तो पुलिस, चाहे कोई ऑफिसर, कोई ऑफिशियल, छोटे से बड़े मैन तक का, जिस गांधरबल में मैं 4 पुलिस स्टेशन को देख रहा हूँ, तो 3 चौकियों को, कंगन से नीचे वाला सारा एरिया मैं देख रहा हूँ, इसमें अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि कोई पुलिस मैन, पुलिस डिपार्टमेंट से उठवाना है, इसमें कोई बड़ा मेहरबानी हमें बता सकता है, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि उसमें जरूर एक्शन होगा। अपनी खराबियों को प्रतिपुष्ट डालकर, अपनी खराबियों को प्रतिपुष्ट डालकर हर शख्स कह रहा है कि ज़माना खराब है। अंत हमको बंद क्यों नहीं करवाते, मतलब अगर इतना ही डेंजरस है। मैं क्लासिफिकेशन बताऊंगा, हमारे एरिया में जो जनरली ड्रग्स यूज होते हैं वो चरस है और पॉपी सिट्रा है।
चरस जो है ये कहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है इसके लिए कोई फैक्ट्री नहीं है। आसपास अगर आप अपने गांव में देखेंगे विंड बम या बम छिस्कर, तो ये हर जगह सरकारी जमीन में खेतों में कुदरती तौर इसकी पैदाइश हो जाती है, उसी से उसकी लीव्स निकालते हैं। चरस में जैसे इंच निकालने का हर कारण पत्र बखनाओं पर गैर हाथ और इसमें बनाए फॉरेस्ट बनाए तेती चरस, ये किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है, ये घर में ही बनाते हैं लोग। या कभी कभार हमारे हमने काफी सारे लोगों को पकड़ा है वो खेत में ही पानी का एक डब्बा रखते हैं, तेतीसता अक्सर थोड़ा क्रश करते हैं पानी मिला के वो चरस तैयार हो जाता है। उसको कैसे हम करेंगे पहले मतलब उसको तो पहले जो सर ने बोला कि उसे हम सजा दे सकते हैं, पहले तो उसको सजा देना नहीं है, आप बताइए हमें कि उसको अवेयर कैसे करेंगे उसको इसके जरिए। हम आज इतने बच्चों को हमने बता दिया कि आज ड्रग्स में मुलस नहीं हो रहा, तो यही अवेयरनेस है एक ये तरीका है। दूसरा जैसे मैंने अपने कुछ लोगों को बता दिया, उस अर्जा को हमने जिम्मेदारी सौंप दी, उनको बता दिया कि इनका रोल बनता है वो बच्चों पे नजर रखे सर, कोई इन ड्रग्स में रोल उसमें रजिस्टर नहीं बता होगा ठीक है। इसके बाद अगर कोई इसमें इन्वॉल्व हो गया उसमें ये है कि काउंसलिंग सेंटर ठीक है, काउंसलिंग सेंटर से वो उस अर्जा आपके टीचर्स को पेरेंट्स को पता है तो उसको काउंसलिंग सेंटर लेने जाना है। जैसे डॉक्टर साहब ने आपको मिसाल दी डॉक्टर अक्षर जी ने कि जो भी इंडिविजुअल्स है ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी बनता है, हम ये ना सोचे कि इंस्टीट्यूशन है हॉस्पिटल है पुलिस से खाली इनका काम है इस पे काम करना। ड्रग एडिक्ट्स का पुलिस का काम सबसे बड़ा ये है कि ड्रग पेडलर्स पे काम करते हैं, ड्रग एडिक्ट्स पे काम करना हमारा खुद की जो है जिम्मेदारी बनती है। इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, वन इज ड्रग एंड अनदर इज अब्यूज। Drug is a substance that is used to treat diseases, and abuse means when we use this drug in excessive manner or non-medical purposes, it becomes an abuse. Then it becomes a drug abuse. Drug abuse leads to a fatal disease that is a cancer. Come to this. Next is for Dr. Zafar Dasam. Come to this, sir. उम्मीद है कि आइंदा भी फ्यूचर में जब भी तो आप भी हमेशा सपोर्ट करेंगे। लेकिन ड्रग की बात ड्रग के साथ जो भी होते हैं आपका साथ देगा, आपको रिफंड करेंगे। आज का प्रोग्राम है वो मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ जो ये ड्रग है हमें ड्रग नहीं करना चाहिए, ड्रग से बचना चाहिए, हर प्रोग्राम करना चाहिए, प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहिए और जो कोई ड्रग में इन्वॉल्व हुआ है उसे उसको बाहर लाना चाहिए, उसे अवेयरनेस देनी चाहिए और ताकि जो आने वाला फ्यूचर है जो आने वाले बच्चे हैं यही हमारा मुस्तकबिल संभाले। एज ए पेरेंट जब अपनी पेरेंटेज आप संभालोगे तो आपका मुस्तकबिल अच्छा होगा। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर पुलिस का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो बार बार ये प्रोग्राम कर रहे हैं। जो प्रोग्राम आज हुआ है दिस हैज बीन कंडक्टेड बाय द डिस्ट्रिक्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इन कोलैबोरेशन विद द हायर सेकेंडरी कुरहामा एंड डिफरेंट स्पीकर्स वर इनवाइटेड। आई एम मायसेल्फ प्रोफेसर मुदस्सिर फ्रॉम द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर हु वाज इनवाइटेड एज अ रिसोर्स पर्सन। वी हैव डीवाईएसपी फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स, ही वाज आल्सो यू नो हियर हु स्पोक ऑन द ओकेजन। We have psychologists and we have a drug inspector from the Gandharabal who spoke on it. The purpose was only to make the people aware, in particular to the youth from the different schools. We have cluster of schools apart from the higher secondary itself. Large people of large number of the students were invited, and along with them the large number of the faculty members from the different schools were available over here, so that they would be sensitized about the drug problem in the district and how the drug addiction policies would be implemented in particular.